डिपॉजिटर्स को मैं आश्वासन दिलाना चाह रही हूँ बिल्कुल कि आपके पैसा सुरक्षित है, और रिजर्व बैंक ने मुझे, मैं लगातार उनसे संपर्क में हूँ, और रिजर्व बैंक में, रिजर्व बैंक गवर्नर ही मुझे आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द इसका अच्छा सा रेसोल्यूशन हो जाएगा, कोई नुकसान किसी डिपॉजिटर को नहीं होगा। एक मूव किया गया है जिससे कि डिपॉजिटर्स के जो डिपॉजिट्स हैं वो सेफ रहें, और रिजर्व बैंक ने साफ साफ कहा है इसके बारे में कि डिपॉजिटर्स के डिपॉजिट सेफ रहेंगे। ये आश्वस्त करना चाहता हूँ सबको कि सारे डिपॉजिटर्स कोई डर की कोई जरूरत नहीं। लेकिन 50,000 रुपए की कैपिंग की गई है ऐसे मौके पर, तो लोगों के अंदर काफी पैनिक का माहौल है कि अपना पैसा उनका फंस ना जाए, कैसे निकालेंगे, किसी को जरूरत है, कई केस स्टडीज सामने आ रही है, किसी को पढ़ाई के लिए 1,00,000 रुपए की जरूरत थी, कोई अपना और पैसा निकालना चाहता लेकिन निकाल नहीं पा रहे। तो ये जैसे हमने कहा कि ये भारत में ही नहीं बाकी जगह बाकी देशों में भी ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। जैसे ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का हमने उदाहरण दिया था, तो उससे ये मॉरेटोरियम डालने की ज़रूरत है, और रिजर्व बैंक ने अभी जो किया है काफ़ी सोच समझ के अध्ययन करके किया है।